दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप WhatsApp के होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो, यानी आप WhatsApp के होम स्क्रीन के बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड में आप वॉलपेपर कैसे सेट कर सकते हो, अपना फोटो आप कैसे लगा सकते हो। क्योंकि दोस्तों WhatsApp के एक ही होम स्क्रीन को हम देखते देखते बोर हो जाते हैं, हमें कुछ नया चाहिए होता है। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसको आप यूज करके दोस्तों आप बहुत ही आसानी से WhatsApp के होम स्क्रीन के बैकग्राउंड में अपना फोटो सेट कर पाओगे, वॉलपेपर सेट कर पाओगे। जो भी देखेगा एक बार जरूर चौंक जाएगा, आपसे जरूर पूछेगा कि यार भाई कैसे आपने WhatsApp के होम स्क्रीन को कस्टमाइज किया है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी GB WhatsApp, FM WhatsApp, यो WhatsApp इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ट्रिक यूज करना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आखिर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो सबसे ज्यादा किस कंपनी का फोन यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। ठीक है, अब चलिए टॉपिक पर। मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप WhatsApp के होम स्क्रीन पर अपना फोटो सेट कर सकते हो, यानी WhatsApp के होम स्क्रीन को आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है डिजाइनर टूल। ठीक है, आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, सिर्फ 5 MB का छोटा सा एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके WhatsApp के होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो, बैकग्राउंड में आप अपना फोटो सेट कर सकते हो, वॉलपेपर सेट कर सकते हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इस एप्लीकेशन को यूज करना है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपको यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, आपको यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा मॉकअप ओवरले, आपको मॉकअप ओवरले का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर टैप करना है। ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर पोर्ट्रेट लैंडस्केप का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, दो बॉक्स आपको मिलेंगे, प्लस लिखा है, ठीक है, प्लस बना हुआ है, आपको पोर्ट्रेट पर टैप करना है, आपको पोर्ट्रेट वाले बॉक्स पर टैप करना है, इसके बाद आपको अलाउ करना है। अब दोस्तों आपके फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी, आपको यहां से उस फोटो को सेलेक्ट करना है जिसको आप WhatsApp के होम स्क्रीन पर सेट करना चाहते हो, WhatsApp के बैकग्राउंड में आप सेट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहां से अब हम एक फोटो सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने एक फोटो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपको इस तरह फोटो सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको यहां से इसको इनेबल करना है। अब आपको इस एप्लीकेशन का परमिशन अलाउ कर देना है। ठीक है, डिजाइनर टूल्स प्रो, आपको इसको इनेबल कर देना है। ठीक है, आपको बैक जाना है। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो बैकग्राउंड में फोटो सेट हो चुका है, बैकग्राउंड में फोटो आ चुका है। ठीक है, अब आपको यहां पर एक और सेटिंग करना है, आपको सेटिंग पर टैप करना है। अब आपको यहां पर ओपेसिटी का ऑप्शन मिलेगा, आपको ओपेसिटी का ऑप्शन मिलेगा, अब आपको ओपेसिटी को 70% से 100% कर देना है। ठीक है, ओपेसिटी को फुल कर देना है। इसके बाद आपको कंट्रोल सेंटर को ओपन करना है, यहां से इसको हाइड कर देना है। ठीक है, आपको बैकग्राउंड में फोटो को हाइड कर देना है। ठीक है, अब आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है, व्हाट्सएप में जाना है। दोस्तों जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हो तो आपको यहां पर ब्लैंक होम स्क्रीन शो होता है। ठीक है, हम काफी टाइम से व्हाट्सएप यूज करते करते बैकग्राउंड को देखते देखते बोर हो जाते हैं। तो दोस्तों अब आप बहुत ही आसानी से व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर फोटो सेट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको प्रोफाइल पर टैप करना है, चैट को ओपन करना है, डार्क मोड को इनेबल कर देना है। ठीक है, व्हाट्सएप में डार्क मोड को इनेबल कर देना है। अब इसके बाद आपको कंट्रोल सेंटर को ओपन करना है, यहां से शो कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहां पर देख सकते हो, अब आप यहां पर देख सकते हो हमारा जो बैकग्राउंड है देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है,
आप इस तरह बहुत ही आसानी से व्हाट्सएप के होम स्क्रीन के बैकग्राउंड में अपना फोटो सेट कर सकते हो, वॉलपेपर सेट कर सकते हो। अगर आप फोटो हटाना चाहते हो, ठीक है, आप फोटो को हाइड करना चाहते हो, तो सिंपली आपको हाइड पर टैप करना है दोस्तों, बैकग्राउंड से फोटो हाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फोटो चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आपको डिजाइनर टूल एप्लीकेशन को ओपन करना है, बॉक्स पर टैप करना है, यहां से दूसरा फोटो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब हम दूसरा फोटो सेलेक्ट करते हैं, तो दोस्तों हमने दूसरा फोटो सेलेक्ट कर लिया। अब हम व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, फोटो को शो करते हैं, तो दोस्तों हमने फोटो को शो कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो बैकग्राउंड हमारा देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। तो दोस्तों इस तरह आप बहुत ही आसानी से व्हाट्सएप के होम स्क्रीन में कोई भी फोटो सेट कर सकते हो, आपको सिर्फ एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।